तो विद्यार्थी यहाँ पे देखिए, हम पीछे क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, जो मेरा पार्ट 5 का वीडियो रहेगा, ठीक है। अगर पीछे का वीडियो मेरा अभी तक नहीं देखे तो वहाँ पे आप जाके देख लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का एड देखिए क्या है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा पे स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आपको लाना है, 7 + tan² θ और प्लस में कोस स्क्वायर थीटा आपको लाना है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से आ जाइए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहले आप उतार दीजिए, साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा, इस पे क्या है स्क्वायर फी प्लस कोस थीटा प्लस में सेक थीटा, इस पे क्या है स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आपको क्या बोले थे, साइन और कोस के फॉर्म में होना जरूरी है। तो देखिए साइन और कोस के फॉर्म में है तो रहने दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो देखिए स्क्वायर है तो क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए एक स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी का वैल्यू कोसेक को लेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए का वैल्यू क्या है साइन थीटा, यहाँ लिखिए साइन थीटा फिर कोसेक थीटा, फिर प्लस का प्लस दीजिए, फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखिए कोस और सेक पे क्या स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर वही फार्मूला लागू कीजिए, ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a का वैल्यू हो जाएगा कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो पहले आप इसको एक जगह ले आइए, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फिर बचा क्या, जितना भी स्क्वायर है आप एक जगह बैठा दिए, ठीक है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फिर प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में 2 साइन थीटा, फिर कोसेक थीटा, फिर प्लस में 2 कोस थीटा और सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया 1, फिर प्लस का प्लस, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot² θ, क्या है 1 + cot² θ, फिर प्लस का प्लस, यहाँ तक हो गया, इसका वैल्यू ये हो गया, फिर प्लस का प्लस, फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है खोजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan²θ, तो यहाँ लिखिए 1 + tan²θ, फिर प्लस का प्लस 2 का 2, साइन का साइन लीजिए चाहे साइन का उल्टा कर दीजिए, साइन का उल्टा कीजिए चाहे आप कोसेक का उल्टा, किसी को दोनों में से आप एक उल्टा कर दीजिए, ठीक है। इनटू कोसेक का उल्टा क्या होता है 1 / sin θ, फिर प्लस का प्लस 2 का 2, फिर कोस का कोस रहने दिए या फिर कोस का उल्टा कर दिए, इनटू कोस का उल्टा कीजिए या तो फिर आप सेक का उल्टा कीजिए, दोनों में से कोई भी किसी को एक उल्टा कर सकते हैं, सेक का उल्टा क्या हो जाएगा 1 / cos θ। तो यहाँ देखिए cos थीटा कट गया, यहाँ भी sin थीटा कट गया, तो यहाँ बचा क्या 1 + cot²θ प्लस 1 + tan²θ, फिर प्लस का प्लस 2 को 1 × 2, फिर प्लस का प्लस, फिर 2 को 1 × तो 2, अब अपना अपना जाती है उसको जोड़ दिए, 2 × 2 = 4, 5 × 6 = 7, फिर प्लस क्या बच गया कोट स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 10² θ, तो क्या हो गया, यही ना आपको प्रूव करना था।
सेवन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो आपको क्या हो गया प्रूफ। आप यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, समझ में आया। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर नाइन का देखिए। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन नंबर फाइव का नाइन देखिए, क्या सिद्ध करना है। कोसे एक माइनस साइन थीटा ब्रेकेट सेक थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू आपको क्या लाना है, वन बाय में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा आपको लाना है। ठीक है, तो आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जो पहले उतार दिए, कोसे एक थीटा माइनस में साइन थीटा, फिर क्या है सेक थीटा माइनस में कोस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या बोले थे, प्रूफ होने के लिए साइन और कोस के फॉर्म में होना सबको करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है वन बाई साइन थीटा, फिर का माइनस फिर साइन थीटा। ठीक है, फिर सेक है तो सेक का उल्टा सेक को हटा दिए तो वन बाई क्या हो जाएगा कोस थीटा, फिर माइनस कोस का कोस रहने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या वन, तो साइन और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीफिकेशन कर दिए तो यहाँ के नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या वन, वन को वन से इंटू करेंगे वन और माइनस का माइनस और साइन को साइन से इंटू कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या वन, तो कोस और एक कैल्शियम क्या हो जाएगा कोस थीटा और क्रॉस मल्टीफिकेशन कीजिए वन माइनस कोस्ट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए कोस स्क्वायर थीटा, फिर बाई का बाई साइन थीटा ब्रेकेट आता वहाँ पे इनटू। यहाँ पर देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, देखिए वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अब आई में क्या कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइन यहाँ पर एक साइन कट गया है, एक कोस यहाँ पर एक कोस कट गया, तो बच्चा सिर्फ क्या कोस थीटा और साइन थीटा कोस इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक कोस कटा तो एक कोस बच गया, एक साइन कट गया तो एक साइन बच गया। ठीक है, इसके आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो कुछ अपने मन से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप राइट हैंड साइड से प्रूव कर दिया और इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में जो है पहले आप उतार दीजिए वन बाई में टेन थीटा प्लस में कोट थीटा। ठीक है, तो आपको हम क्या बताए थे कि प्रूफ करने के लिए आपको साइन और कोस के फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, तो इसको साइन और कोस के फॉर्म में लाइए, तो वन का वन डिवाइडेड टेन थीटा बराबर क्या होता है एक तो उल्टा होता है कोट थीटा, तो आपको लाना है साइन और कोस के फॉर्म में नहीं, तो साइन थीटा बाई में कोस थीटा होता है, फिर प्लस का प्लस और कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वन का वन रहने दीजिए, फिर साइन और कोस कैल्शियम क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, इसको इसे इंटू करेंगे क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस को कोस इंटू करेंगे तब कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ चल जाएगा ऊपर चल जाएगा। ठीक है, वन का वन और वाई इसके नीचे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये कहाँ चल जाएगा ये जस्ट ऊपर चल जाएगा इनटू में। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा यहाँ भी क्या है इनटू है, तो वन को हम इतना से इनटू करेंगे तो क्या बचेगा कोस थीटा और इनटू साइन थीटा अब आई में।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है वन। नीचे में वन का तो वैल्यू है नहीं, यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आपका आया था कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में भी क्या आया कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है, प्रूफ हो गया, यहीं पे आप प्रूफ कर दिए, ठीक है, समझ में आए। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए। तो विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का 10 देखिए क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 और बाय में 1 माइनस कोट, इस पर क्या है स्क्वायर प्लस, फिर क्या है टेन स्क्वायर थीटा। यानी कि आप इसके बराबर आप ये भी ला सकते हैं और इसके बराबर आप ये भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, और आपको दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसके बराबर फिर ये सॉल्व कीजिए या तो फिर इसके बराबर ये आपको लाना जरूरी है, ठीक है। तो आइए आप लेफ्ट हैंड साइड से इसके बराबर हम वही सिद्ध करते हैं टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या सिद्ध कर रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको क्या बोले थे कि सिद्ध करने के लिए साइन और कोस के फॉर्म में होना जरूरी है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन बाई कोस, और कोट बराबर क्या होता है कोस थीटा बाई में साइन थीटा, तो इसका फॉर्म में तो ये आ जाएगा, लेकिन आप अगर बदल के करते हैं थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस में चल जाएगा, लेकिन प्रूफ तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे पोर्ट हो जा रहा है, ठीक है, अगर फार्मूला के जरिए आप करते थे तुरंत ही आपका प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसका फार्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर फार्मूला नहीं होता तब तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं साइन और कोस का, ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है खोजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये पढ़ता है तो आप डिवाइडेड में इस फॉर्म में ले आइए, फिर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लीजिए कोसेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए सेक और कोसेक दोनों को बदल दीजिए, तो सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड का डिवाइडेड, और कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ये भागा है तो भागा से गुना में कन्वर्ट कर दिए, तो 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन कहाँ चल जाएगा ऊपर और वाई में 1, तो ऊपर इंटू कीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा, अब आई में कोस स्क्वायर को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनाता है टेन स्क्वायर थीटा, जो आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आ जाइए इस पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, फिर इसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड जो है सो उतार दिए 1 माइनस टेन थीटा, अब आई में 1 माइनस कोट थीटा, ये दोनों पे क्या है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा है, तो आपको इसको क्या साइन और कोस के फॉर्म में लाना है, क्योंकि 1 माइनस टेन थीटा को कोई फार्मूला नहीं, अगर फार्मूला रहता तो हम यूज कर सकते जैसे हम इसमें यूज किए, इसको साइन और कोस के फॉर्म में नहीं लाए, लेकिन आपको इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो 1 का 1 फिर माइनस का माइनस, फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अब आई में कोस थीटा, इस पे स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दिए, ये क्या है बट्टा में इस फॉर्म मिल जाइए, फिर 1 का 1 फिर माइनस का माइनस, फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अब आई में साइन थीटा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ना कुछ तो 1, तो इसका क्या ना कुछ तो यहाँ पे क्या है 1, तो इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा 1 और कोस थीटा का कोस थीटा, अब इसको इससे इंटू कर देंगे क्या देगा कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा, ये दोनों पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर डिवाइडेड का डिवाइडेड, फिर ने कुछ तो 1 एक और साइन कैल्शियम क्या हो जाएगा साइन थीटा, फिर इसको इससे इंटू करेंगे क्या देगा साइन थीटा
और माइनस में कोस थीटा, इस पर भी क्या है, ये दोनों पे स्क्वायर था ने, ठीक है। उसके बाद देखिए ये भागा से क्या कीजिए, गुना में चेंज कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस थीटा और माइनस में साइन थीटा, अब आई में कोस थीटा, भागा से गुना, तो ये साइन कहाँ चल जाएगा, ऊपर साइन थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा, साइन थीटा और माइनस कोस थीटा, ये दोनों पे क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर मत छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस में कोस थीटा, यहाँ पर माइनस में कोस थीटा, यहाँ पर माइनस में साइन थीटा, यहाँ पर प्लस में साइन थीटा, ये कटेगा नहीं, तो इसको काटने के लिए क्या, इसका कॉमन निकाल दिए, प्लस माइनस माइनस कॉमन निकाल दीजिए, ठीक है। कॉमन निकल गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में कोस थीटा, और यहाँ पर माइनस के बजाय क्या हो जाएगा, प्लस में साइन थीटा, ठीक है। इस पर स्क्वायर, अब आई का बाई जो नीचे में सो वही उतार दीजिए, फिर यहाँ इंटू, वहाँ पे कॉमन ने निकालिए क्योंकि अब यहाँ पर मैच हो गया, माइनस में कोस थीटा, प्लस में साइन थीटा, प्लस में, और इसको सॉल्व किए तो यही कही आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस को कोस से इंटू करें, माइनस माइनस प्लस कोस का कोस, फिर माइनस प्लस माइनस साइन थीटा, फिर उतार दी वही वही साइन थीटा, अब आई में साइन थीटा और माइनस में कोस थीटा, इस पर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये और ये क्या हो गया, ऊपर नीचे इनटू में कट गया, तो बचा क्या, क्या ये दोनों तो कट गया, तो बच गया सिर्फ माइनस, यहाँ पर ऊपर में क्या है साइन थीटा, और नीचे में क्या बच गया, कोस थीटा, और क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दोनों पे है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका स्क्वायर क्या देगा, माइनस 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 क्या आ गया, प्लस, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देता है, स्क्वायर दोनों पे है साइन पे, और तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा क्या बनाता है, टेन स्क्वायर थीटा, जो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लिए, और अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।